यहाँ हम 200-500 कमा के जाते हैं, चार लोग मिलके छीन लेते हैं। और यहाँ आना सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ दिल्ली में योगी का। एक बार योगी आ जाता तो भ्रष्टाचार यहाँ मुक्त हो जाता। जिस दिन आया था उसी दिन बता रहा हूँ, बदरपुर बॉर्डर में खुले आम बस कतरी हो रही थी। और सबसे बड़ी बात है, कोई सुरक्षित अपने घर में नहीं जा सकता यहाँ पे। पहली बार ऐसा जेब कतरी देखा मैंने दिल्ली में। नहीं है, यहाँ तो शाम को छीन लेने वाले 6 बजे 7 बजे किसी का भी जेब कट जाता है। हमारे प्रयागराज में आप आ जाइए, औकात नहीं है, जेब कतरे दिख नहीं सकते आप। योगी आदित्यनाथ देख ही नहीं सकते, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पब्लिक कूद जाएगी। आपसे बात करूंगा साहब, आप बैग वैग सेल करते हैं, है ना? आपका नाम क्या है? लालजी यादव। आप दिल्ली में ही रहते हैं सिर्फ? नहीं, यूपी में रहते सर। आप यूपी में रहते हैं, सामान बेचने आते हैं दिल्ली में, कैसा लगता है? यहाँ 200-500 कमा के जाते हैं, चार लोग मिलके छीन लेते हैं। और यहाँ आना सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ दिल्ली में योगी का। एक बार योगी आ जाता तो भ्रष्टाचार यहाँ मुक्त हो जाता है। दिल्ली में आपको लगता है कि यहाँ छीना झपटी गुंडाई होती है? काफी भैया, शाम को 11 बजे 12 बजे आते, मोबाइल चले जाते, पर्स चले जाते, सारा दिन मेहनत करके शाम को मूड पे हाथ रख के सोते हैं। मतलब आम इंसान से छीना झपटी होती है? नहीं नहीं, बिल्कुल उनका मुद्दा है, अगर वो 4 पैसे कमा के ले जाते हैं और उनके घर पहुंचने से पहले पैसा अगर छिन जाता है तो एक सरकार की नाकामी है कि आप लोग इन चीज़ों को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कि कोई 2 पैसे कमा के शाम को घर सुरक्षित अपने पैसों के साथ क्यों नहीं पहुँच पाता। इसके लिए भी कहीं ना हद तक सरकार जिम्मेदार है और इन चीज़ों को पहचानना चाहिए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो बाजार में ऐसे लोगों के साथ इनकी कमाई को छीनकर अपनी जेब गर्म करते हैं। और कोई दिक्कत है आपको? बस सर, ठीक है। आप मतलब विद्युत हो, मतलब बिजली हो, या कोई जैसे पहले ब्लू लाइन चलती थी सारी खत्म कर दी उन्होंने, और हर वर्ष में मार्शल लग दिया, जेब कतरी बंद हो गई है बसों के अंदर, तो सुधार होगा। जेब कतरी बहुत तेज है ये तो दिल्ली में, बहुत तेज। मैं खुले आम भैया, मैं जिस दिन आया था उसी दिन बता रहा हूँ, बदरपुर बॉर्डर में खुले आम बस कतरी हो रही थी। मार्शल बैठा था उसमें? हाँ भैया, मैं चौक गया पहली बार जी, वो बाहर से लेके भागेंगे, मतलब बस के अंदर लेके नहीं भागेंगे। हाँ, बस में पहली बार ऐसा जेब कतरी देखा मैंने दिल्ली में। क्या गायब हो गया? तो दौड़ा के मारते, क्या बस के अंदर गायब क्या हुआ आपका? क्या बस के अंदर? नहीं यार, जेंट्स थे, 3-4 लौंडे थे। क्या लिया आप? अरे मेरे सामने एक बंदे का ले लिए, मेरे बस के अंदर। ये बाहर की बात कर रहे हैं, बाहर का जो जितना भी प्रशासन है वो केंद्र संभालती है, क्योंकि दिल्ली कि जो बसें दिल्ली से बाहर जाती हैं अदर स्टेटों में, जैसे यूपी में एंटर करती हैं, तो जेब कतरा जो भी है वो वहीं से एंटर करते हैं और वहीं पे ये घटनाएं होती हैं दिल्ली के अंदर। बदरपुर में सर, बदरपुर बॉर्डर पे, वो दिल्ली में ही था वो। पहली बार जिंदगी में ऐसा देखा। हमारे प्रयागराज में आप आ जाइए, औकात नहीं है, जेब कतरे दिख नहीं सकते आप। योगी आदित्यनाथ देख ही नहीं सकते, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, पब्लिक कूद जाएगी तुरंत।